आज भी हमारे देश में बेटे को तवज्जो दी जाती है, लेकिन क्या है कि जो हिंदुस्तान की बेटी कर नहीं सकती। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हिमा दास त्रिपुरा की वो लड़की ने कितना बेहतरीन कमाल किया और अपने ट्रैक से 5 गोल्ड मेडल लेके आई। तो कहने का मतलब है कि बेटियां माँ की परछाई और पिता की स्वाभिमान होती है। बेटियां माँ की परछाई और पिता की स्वाभिमान होती हैं, वो सर्वदा कभी सावित्री कभी दुर्गा सी महान होती हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में लहरा रही हैं अपने मेहनत का परचम। आज पूरे हिंदुस्तान में लहरा रही हैं अपने मेहनत का परचम। इसीलिए तो बेटियां शान हिंदुस्तान होती हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए उस नन्ही कलाकार के लिए। और उस कलाकार का बोल भी बहुत ही बेहतरीन है कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है माँ ओ माँ। और जब माँ का जिक्र होता है तो उसके प्यार का विवरण लफ्जों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे मोड़ पे एक मनोहर राणा का मेरे को शेर याद आता है कि हम तन्हा नहीं चलते, हमारे कर्म भी साथ चलते हैं। अब बुढ़ापे में हमारी दवाएं भी साथ चलती हैं और मुझे यकीन है कि मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी मैं घर से चलता हूँ तो माँ की दुआएं भी साथ चलती हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए उस केतकी पाटिल के लिए और उसका आप अपने तालियों से एनर्जी भरें। प्लीज कम ऑन द स्टेज केतकी पाटिल। नमस्ते।